दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय एडिफाई स्कूल छतरपुर। थिंक बियॉन्ड। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 13 बड़े शहरों में संडे लॉकडाउन के अलावा कई व्यावसायिक गतिविधियों पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी हैं। इन खबरों के सामने आते ही छतरपुर जिले में भी लॉकडाउन की आशंकाओं ने गरीबों, मजदूरों और रोज कमाने वाले छोटे मोटे कारोबारियों के भीतर डर पैदा कर दिया है। लॉकडाउन के एक साल बाद भी पिछले वर्ष की कड़वी यादों को ध्यान में करते ही ये लोग सिहर रहे हैं। इन गरीबों का कहना है कि लोग सावधानी बरतें और प्रशासन जल्दबाजी में लॉकडाउन जैसा बड़ा कदम ना उठाए। शहर के छत्रसाल चौक पर पान का डिब्बा चलाने वाले गोरेलाल कुशवाहा ने पिछले साल की तकलीफ देह यादों के बारे में बताया कि पिछले साल अचानक लॉकडाउन लगने के कारण उनके घर में खाने पीने के लाले पड़ गए थे। वे 72 साल के हैं और इस छोटी सी गुमटी से परिवार पाल रहे हैं। गरीबी रेखा का राशन कार्ड भी नहीं है कि सरकार उन्हें मुफ्त का अनाज देगी। लॉकडाउन महामारी का कोई हल नहीं है, इसलिए सरकार को ये फैसला नहीं लेना चाहिए। यह के पर साल लगी थी तो दुकान बंद हो गई थी, जब तुम माल रखो तो जब बंद होगा तो बरसात में सब छीण गए, तो मैंने सब फेंके हैं। अभी भी कुछ ये रखी है बरसात की सिलेंड वगैरह, इसमें ये सब फेंकी गई, देखो देख भी रही होगा और फिर कहीं लग जाएगी। और कुछ धंधा पानी नहीं है, संगाला अकेला आदमी हूँ, मेरी 72 साल की उम्र है और कोई ना मेरे पास ना कोई पेंशन मिलती है नगर पालिका से, कहते तुम्हारी नहीं बनना गरीबी रेखा का, अति गरीबी को नहीं है परमट, तो हम तो मोहताज हैं। बंद हो गई आउट एरिया पे वैसे ही है। ई रिक्शा चलाने वाले इस्माइल राइन बताते हैं कि पिछले एक साल में उन्होंने बहुत तकलीफ झेली है। उन्होंने कहा कि कोरोना बढ़ने से सरकार सबसे पहले परिवहन सेवाओं को बंद करती है, जिससे हमारा कामकाज ठप हो जाता है। पिछले साल घर चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ा था और अभी तक गाड़ी पटरी पर नहीं लौटी है। अगर लॉकडाउन लगा तो भूखे मरना पड़ेगा। सब ये रक्षा चला रहे, कर्जा ले लेके चला रहे हैं, ब्याज से पैसा ले रहे हैं, भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। आप बताइए क्या करें, हम धंधा पानी नहीं चल रहा है, दिन दिन भर पानी नहीं हो रही है, कोई फल फ्रूट लगाते हैं तो सड़ सड़ के बिक रहा है फल फ्रूट, कोई सर बच्चों को लगवा रहा है फल फ्रूट तो सड़ सड़ के बिक रहा है, बहुत ही परेशान है, कर्जे में परेशान है। सड़क पर बैठे बहुत छोटे कारोबारी लॉकडाउन के कारण सबसे बुरी मार झेलते हैं। बस स्टैंड पर जूते चप्पल सुधारने वाले बेटू जाटव ने कहा कि उनके पास ना तो गरीबी रेखा का राशन कार्ड है और ना ही कोई दूसरा व्यवसाय। रोजाना 100 से 150 रुपए कमाकर ही घर चलता है। लॉकडाउन के दौरान हमें कोई सहायता नहीं मिली थी, लॉकडाउन लगाने के पहले हमारा इंतजाम करें। अब तो परेशान तो हो जान साहब, अब मुकर पे असल मर रही थी, पर साल लगा था तो साहब परेशान हो गए हम, और जब अब की बार लगेगा तो और परेशान हो जाएगा, हम कहाँ जाएंगे लड़के बच्चे लेके, बताओ साहब क्या समस्या वहीं थी। फिर समस्या क्या है, हमारी दुकानदार नहीं चलेगी, हम खाएंगे क्या। गली मोहल्लों में साइकिल से जूस बेचने वाले भुमायनी दीन कुशवाहा ने बताया कि पिछले साल उनका व्यवसाय पूरी तरह चौपट हो गया, जिसके कारण कर्ज लेने की नौबत आ गई थी। इस वर्ष भी पिछले साल का कर्ज नहीं चुका पाए हैं। अगर लॉकडाउन लगा तो हम जैसे गरीब गर्त में चले जाएंगे। लग जाएगा तो साहब गरीब आदमी तो मरा ही जैसा, कछु कर ही नहीं पा रहा है, न घर से बाहर निकल पा रहे तो क्या करें, तो बिड़ू बिड़ू मरा ही जाए, दाना खेरे पीजे के दाना नहीं है, कहीं मजदूरी नहीं कर पा रहे, कहीं अपनो को धंधो करें तो वो भी नहीं कर पा रहे, जहाँ देखो जहाँ बोले लॉकडाउन लगू तो क्या कर रहे हैं, ऐसे में तो गरीब मरने के सवाल और कुछ नहीं है। पिछले साल लगो तो भाई पिछले साल बहुत सौ आज तक भुगत रहा है, कोई परेशानी कौन धंधा कर ही नहीं पा रहा है ढंग से, अगर रोड पर बैठे कौन काम कर रहा है तो बोले चलो हटो भागो यहाँ से,